प्रारंभ देखते हैं किसी से लिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच भैया यहाँ तक छोड़ने। तो फाइनली इंतज़ार के बाद पहुंच गए बद्रीनाथ, और ये बद्रीनाथ का पीछे हमारे मंदिर मार्केट है। मंदिर के तरफ जा रहे हैं और सुबह आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ जी का मंदिर और बताएंगे बद्रीनाथ के बारे में। मैं अभी बस आपको थोड़ा सा झलक दिखलाता हूँ और कल सुबह आपको सुबह दर्शन कराऊंगा मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव। और मैं आज पहुंच गया हूं बद्रीनाथ और सुबह के कुछ 7 बजे हैं और मैं अपना थोड़ा सेटअप कर रहा था, उठ तो गया था मैं बहुत पहले, लेकिन यहां पे बहुत ठंडी है। पीछे मेरे आप देख सकते हो पूरा बर्फ़ का किला पूरा। और अभी जा रहा हूँ बद्रीनाथ जी का दर्शन करने और बताते हैं आपको हम बद्रीनाथ के बारे में और यहाँ के जो भी इतिहास है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और कराते हैं आपको बद्रीनाथ जी का दर्शन। बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर यानी 10,281 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो अभी यहाँ से सामान उठा लिया है, देखते हैं कहीं इसको रखते हैं, फिर अभी तो अब कुंड में नहाएंगे, फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई है उधर,
फिर उधर को जाएंगे, देखते हैं कहीं बाइक का व्यवस्था करते हैं। तो ये यहाँ का मार्केट है। कुंड जा रहे हैं नहाने, देखते हैं। तो जा रहे हैं नहाने। ये है यहाँ का स्वच्छ कुंड, देख सकते हैं बहुत ही गर्म पानी है बहुत। अरे भाई यार कैसे हो इसमें भाई, बहुत गर्म पानी। नहीं वो वाटर प्रूफ है। अच्छा, बहुत गर्म पानी है। बहुत गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है। बैठे हुए थे शिव सागर में, उस समय क्या हुआ, नारद मुनि जी ने विष्णु जी को कहा कि विष्णु जी आप अनंत काल से क्षीर सागर में शेषनाग जी के पास बैठे हुए हो, तो अभी आप कुछ लीला करिए, बहुत समय हो गया है। तो भगवान विष्णु जी ने क्या किया, क्षीर सागर को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में एकांत ढूंढने लगे, तो कहीं एकांत नहीं मिला, उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में आकर के भगवान बद्री विशाल जी बद्री का आश्रम में, बद्री के आश्रम को भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ये मृत्यु लोग में नहीं आता, आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो। तो जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी यहाँ पे तपस्या करने लगे, यहाँ पे अग्निकुंड तप्त कुंड को अग्निकुंड भी कहा जाता है, जैसे ही तप्त कुंड में भगवान बद्री विशाल जी, पहले तप्त कुंड नहीं था, बैठे हुए थे तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते तपस्या में विलीन हो गए। अब उन्हें क्या पता लग रहा है बाहर क्या हो रहा है, तो माता लक्ष्मी जी ने यहाँ पे बरगद का पेड़ का रूप लिया, ठीक है, तो बरगद के पेड़ के रूप लेकर के विष्णु जी के ऊपर छाया कर दी, जिससे भगवान विष्णु जी को कोई परेशानी ना हो। तो बर्फीला इलाका था, यहाँ पे छांव तो मिल गई, ठंड तो लगेगी ही लगेगी। तब भगवान अग्नि देवता ने यहाँ पे अग्नि ने जल में समाहित होकर के पानी का वातावरण गर्म कर गर्म कर दिया, तो उसकी भाव से भगवान विष्णु जी को कोई भी मतलब ठंडी ना लगे, तो ठंड नहीं लगी। तो भगवान विष्णु जैसे ही अपने तपस्या से उठे, देखा कि बाहर यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, अब क्या होगा, भगवान विष्णु जी ने अपना अंतर्ध्यान होकर के देखा बरगद का पेड़ कहाँ से आ गया, अंतर्ध्यान होकर देखा तो माता लक्ष्मी नजर आई। विष्णु जी ने कहा हे लक्ष्मी आप अपने स्वरूप में आ जाए, माँ लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई, देखा तो पूर्ण तौर से काली हो गई थी, आपने देखा होगा पूरे विश्व में कहीं भी जाओ लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको ब्लैक केवल बद्रीनाथ में नजर आएगी, और कहीं भी जाओगे तो ब्लैक नजर नहीं आएगी, सुंदर रूप नजर आएगा, पूरा भुजाएं मतलब सब कुछ आपको सुंदर नजर आएगा।
तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर की मूर्ति बद्री विशाल मंदिर में जब आप जाएंगे, बद्री विशाल जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, पूरी काली मूर्ति। तो भगवान बद्री विशाल जी ने लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया, कहा हे लक्ष्मी, आने वाले कलयुग में जो भी व्यक्ति, जो भी मानव मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ेगा तो उसे भू वैकुंठ लोक से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब उन्होंने इनको वरदान दिया, लक्ष्मी नारायण के रूप से जाने गए, फिर यहाँ पे अग्नि देवता का अंतर ध्यान किया तो देखा अग्नि देवता जल में आ रखे, तो अग्नि देवता को बुलाया, बोले अग्नि देवता अपने असली रूप में आ जाए। तब अग्नि देवता को भगवान बद्री विशाल जी ने आशीर्वाद दिया कि हे अग्नि देवता, कलयुग में जो भी मानव बद्रिका आश्रम में आकर के स्नान ध्यान करेगा उस व्यक्ति के सारे पापों के नाश हो जाएंगे। तो कहते हैं बद्रीनाथ आश्रम में जब भी आप आओ तो तप्त कुंड में स्नान करो, आपके पापों के नाश हो जाएगा। ये भगवान बद्री विशाल जी की लीला है और लंबी कहानी है, मुझे थोड़ा शॉर्ट में सुनाना पड़ा, अभी और भी बहुत है बट शॉर्ट कट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको ये जानकारी देने के लिए। तो आप जब भी बद्रीनाथ आए तो तप्त कुंड में ज़रूर स्नान करें ताकि आपके जो भी कष्ट पाप है वो धुल जाए और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपसे ये जानकारी मिली, ये हमारा कर्तव्य और सभी लोगों को जो भी देख रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिली। देखते रहिए हमारे साथ जर्नी विद कुंजी शर्मा के साथ। बाय बाय बाय। तो ये भैया यहाँ पे सबके जूते चप्पल देख रहे हैं, कोई पैसे नहीं है जूते चप्पल के, सबके फ्री में निःशुल्क देख रहे हैं जूते चप्पल सामान दोनों भैया लोग। काफी लोग हैं, पंडवाल नाम है मेरा, दिलीप पंडवाल, दिलीप पंडवाल मेरे पास है। बिल्कुल, अगर कभी भी आए बद्रीनाथ में तो दिलीप पंडवाल जी के पास जरूर मिले। तो अभी सामान यहाँ पे भैया लोग के हेल्प से यहाँ पे रख दिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोगों का। तो अभी जा रहे हैं हम लाइन में लगने, दर्शन कर लूँ, और ये आज कुर्ता पहना है मैंने ताकि भगवान का दर्शन कर सके। और ये भैया भी हैं, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं सब, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, सबने बहुत हेल्प करी, बैग भी यहाँ पे रखवा दिया है, जूता वगैरह भी। तो अभी जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, तो अभी पहुँचे लाइन पे अपने, यहाँ से लाइन लग गई है और समय हो रहा है 10:39। तो अभी मैं लाइन में खड़ा था और एक भाई ने ये लाके मुझे दे दिया अपने आशीर्वाद और दुआ के तौर पे। तो उधर है भाई, उन्होंने मुझे दिया आशीर्वाद के तौर पे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंतज़ार के बाद पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास, थोड़ी दूरी से है मंदिर, बहुत इंतज़ार हुआ तो फाइनली पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास और टाइम इस समय हो रहा है, एक बज के 30 मिनट और 10:30 हम लोग लाइन में लगे थे और अभी फाइनली पहुँचने वाले हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने।
तो अभी हो गया एकदम दर्शन, अगर कभी दे सकते थे हम लोग तो बस हो गया दर्शन। आपको मिला सर, बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे कभी आऊंगा मैं, बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी विषय ही नहीं है हमारा कोई भी, बैठो आराम से, जगह पसंद करो। हाँ सही है, तो बहुत ज्यादा भीड़ है देख सकते हैं आप लोग। जगत गुरु शंकराचार्य लगा है, बैग में कुछ है देखता हूँ, खाता हूँ और फिर यहाँ से माना नहीं तो केदारनाथ के लिए निकलता हूँ। देखता हूँ कुछ साधन या लिफ्ट कुछ तो मिल ही जाएगा, फिर उसके बाद केदारनाथ पहुँच के फिर, और यहाँ पे अगर कुछ घूमने वाला है देखता हूँ घूम के, फिर ऐसे घूमने वाला तो बहुत है, सामान का है कि कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, अभी तो जहाँ रखता हूँ। तो अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करके अभी जा रहे हैं माना गांव, वहाँ पे देखते हैं, सुना तो बहुत कुछ है माना के बारे में, देखते हैं। वो इंडियन लास्ट विलेज भी है तो जाते हैं, इंडिया का लास्ट विलेज देखते हैं। इससे पहले कहीं रुक के कुछ खाते हैं, कल का क्रीम रोल है खाते हैं भाई। इधर भी यार, इधर भी था।